लोग शुरू करेंगे एक बड़े ही खूबसूरत से टॉपिक को। असल में हमें अंग्रेजी ग्रामर के लिए बहुत कम जानकारियां होती हैं। मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी इंग्लिश कमजोर है। तो असल में होता क्या है कि उनकी बेस कमजोर कैसे हो गई, मीडियम उनकी लैंग्वेज इंग्लिश हुई लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक उनसे कम नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इग्नोर करते हैं इंग्लिश की ग्रामर को, और लिहाजा होता ऐसा है कि उनकी ग्रामर कमजोर होती जाती है और फिर बाद में चलकर उन्हें पछताना पड़ता है। तो आज हम शुरू करेंगे, अंग्रेजी में एक वर्ड है, आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, वो है प्रीपोजिशन। आइए हम देखते हैं ये क्या है। प्रीपोजिशन, चूंकि टॉपिक काफी बड़ा है लेकिन हम इसमें से शुरू करते हैं सिर्फ एक, वो क्या होगा, से। ट्रांसलेशन बनाते समय से शब्द की अंग्रेजी क्या होगी, तो यूजुअल कई सारे लोग कई सारी बातें बताएंगे, पर आज जो हम आपको यूनिक तरीका सिखाने जा रहे हैं वो ये होगा कि से के लिए अलग अलग कई सारे वर्ड इस्तेमाल होंगे, और आप देख के यकीनन आपके दिल में बड़ी खुशी होगी कि हां आज हमने बड़ी काम की चीज सीखी है कि एक छोटा सा वर्ड है से, और इसके लिए कई सारे इंग्लिश वर्ड्स लगेंगे। तो लाइए हम आपको एग्जांपल देते हैं। अब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, जैसा कि मैंने बिल्कुल साफ साफ लिख दिया है बोर्ड पे, आप ध्यान देंगे। एग्जांपल नंबर वन, मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं, यहां भी से। एग्जांपल नंबर सेकेंड अगर हम देखें, वह बस से जाता है, यहां भी से। मैं स्याही से लिखता हूं, यहां भी से। और नेक्स्ट एग्जांपल देखें, तुम यहां कब से खेल रहे हो। इन चारों एग्जांपल्स में एक सबसे कॉमन चीज क्या देखना होगा कि सभी में से एक समान आया हुआ है, लेकिन इनके लिए इनकी अंग्रेजी बिल्कुल अलग अलग लगनी है। जैसे मेरा पहला एग्जांपल है, मैं दाहिने हाथ से लिखता हूं, तो आप इसके लिए बोलेंगे आई राइट विद माई राइट हैंड, यानी कि इस से के लिए आपने प्रीपोजिशन विद लगाई। अब हम एग्जांपल नंबर सेकंड देखें, वह बस से जाता है, वह बस से जाता है, इस से के लिए हमारी अंग्रेजी बदल जाएगी। अब आपको बोलना होगा ही गोज बाय बस, यानी कि यहां पे अभी आपने क्या नोटिस किया कि से के लिए हमने विद लगाई और अभी से के लिए आपने क्या लगाई, बाय, ही गोज बाय बस। अब एग्जांपल नंबर थर्ड हम देखते हैं, मैं स्याही से लिखता हूं, अब यहां पे से के लिए फिर अंग्रेजी बदलेगी, आपको बोलना है आई राइट इन इंक, आपको बोलना होगा आई राइट इन इंक, क्योंकि पहले इंक पॉट होता था और पेन उसमें डुबा डुबा के लिखना होता था, तो आपने से की अंग्रेजी क्या लगाई, इन, आई राइट इन इंक। और नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम यहां कब से खेल रहे हो, फिर यहां से की अंग्रेजी बदलेगी आपकी, आपने क्या बोलना है, तुम यहां कब से खेल रही हो, क्योंकि सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, तो आपने बोलना है सिंस व्हेन, यानी कि से के लिए आपने सिंस लगानी है, सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग हियर, आपको बोलना होगा सिंस व्हेन हैव यू बीन प्लेइंग हियर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, वह कई साल से तैयारी कर रही है, आपने एग्जांपल क्या देखी, वो कई साल से तैयारी कर रही है, यहां भी से आया हुआ है, पर इस से का जो प्रीपोजिशन होगा इंग्लिश होगा वो अलग लगेगा। नेक्स्ट, वह कॉलरा से मरा, यहां भी से एक वर्ड इस्तेमाल हो रहा है लेकिन इसकी अंग्रेजी डिफरेंट होगी। और फिर हमने दिया है लास्ट एग्जांपल, तुम बुखार से ग्रसित हो, तुम बुखार से ग्रसित हो, यानी कि तुम्हें बुखार आ रहा है, तो यहां भी से के लिए अंग्रेजी हमें डिफरेंट लगानी होगी। तो इस प्रकार हम एक बार फिर से दोबारा दोहरा देते हैं, वह कई साल से तैयारी कर रही है, चूंकि कई साल से तैयारी कर रही है, यह भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है,
तो आपने बोलना होगा शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स, शी हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा वह कॉलरा से मरा। अब यहां पे से के लिए आपकी अंग्रेजी फिर बदलेगी, आपको बोलना होगा ऑफ, ही डाइड ऑफ कॉलरा, आपको बोलना होगा ही डाइड ऑफ कॉलरा। और लास्ट एग्जाम्पल है तुम बुखार से ग्रसित हो, यानी कि तुम्हें बुखार आ रहा है, या फिर यूजर हम एप्लीकेशन लिखते समय भी बोलते हैं कि मुझे कई दिनों से बुखार आ रहा है, तो आपने यहां पे ट्रांसलेट करना होगा यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि से के लिए हमने फ्रॉम लगा, यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। लास्ट में हमें आपसे एक गुजारिश होगी कि अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपके पास मेरे अपडेट्स बिल्कुल समय पर पहुंच सके। और एक और रिक्वेस्ट होगी, यदि वीडियो में कोई भी ऐसी क्लिप जो आपके समझ में ना आई हो, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो आपको डाउटफुल लग रहा है, उसे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर पूछ लें ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए।